राजधानी दिल्ली की कंझावला थाना पुलिस ने तीन कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन सिगरेट के पैकेट, चार घी के डिब्बे, दो सरसों के तेल के कैन, एक स्कूटी और एक सेंट्रो कार बरामद की। साथ ही दो मोटर व्हीकल समेत नौ चोरी के मामलों को भी सुलझाया है। डीसीपी प्रणव तायल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों गांव कंझावला और कराला के शिकायतकर्ताओं एवं दुकानदारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी किराने की दुकान में रात में शटर तोड़कर किराने का सामान खोलकर चोरी की गई है और कुछ नकदी भी चोरी हुई है। दुकानदारों के बयान पर कंझावला थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और चुराए गए सामानों को बरामद करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। इसके अलावा क्रैक टीम ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीनिंग शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की गहरी जांच के दौरान टीम ने एक सेंट्रो कार देखी, जिसका इस्तेमाल चोरों ने किया था। पुलिस टीम द्वारा जांच करने पर कार चोरी की पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल तीनों ही आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इनके खिलाफ आगे की कार्यवाही में जुट गई है।